अस्सलाम वालेकुम। लव बर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स को शावर किस तरह से दे सकते हैं। जो बर्ड्स गर्मी में होते हैं उनके जो पर होते हैं अगर वो शावर ना लें या नहाएं ना तो उनके पर सख्त हो जाते हैं और वो बर्ड्स जो होते हैं ना बीमार होने के करीब पहुंच जाते हैं। जब ये शावर ले लेते हैं तो इससे इनके पर जो होते हैं ना नरम हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और बर्ड्स एक्टिव रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, ये बहुत एक नेचुरल इनकी एक्टिविटी है। वाइल्ड में जब ये होते हैं तो बारिश के पानी में नहा लेते हैं तो इनकी ये नहाने की जो ज़रूरत है ये पूरी हो जाती है। जो तो केज बर्ड्स होते हैं, केज बर्ड्स को इस चीज़ का मौका जो है अगर आप ना दें तो फिर ये जो होते हैं सुस्त रहते हैं और पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ब्रीड पे भी इनसे इनका फ़र्क पड़ सकता है। तो जब यहाँ पे बारिश होती है तो मैं देखता हूँ कि ये आ जाते हैं अपनी जाली के पास आ जाते हैं और आके ये बारिश के पानी में नहाने की कोशिश करते हैं। अगर तो बारिश तेज़ हो और पानी बारिश का जो है वो इनके जाली के ऊपर पड़ जाए तो फिर तो ये अपने पर फुला के नहा लेते हैं उसमें, और अगर ना पानी इनकी जाली तक ना आए तो ये फिर बेचारे बस इस तरह से ही खुश हो लेते हैं। तो मैं इनको बाथ वगैरह देता रहता हूँ स्प्रे बॉटल से, तो इससे ये होता है कि इनकी ये पानी की ज़रूरत जो होती है वो पूरी हो जाती है और इससे ये है कि जल्दी ये ब्रीड पे भी आ जाते हैं। क्योंकि वाइल्ड में ये जब ब्रीड करते हैं ये उस वक़्त करते हैं कि जब बारिशों के फौरन बाद ये ब्रीड करते हैं, तो इससे इनको कुछ बारिश का भी एहसास होता है तो उससे ये ब्रीड पर भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैं चलें आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने इनको शावर देना है। ये एक स्प्रे बॉटल आपने लेनी है, ठीक है। ये स्प्रे बॉटल जो है ये किसी भी प्लास्टिक की शॉप से मिल जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें ये ऊपर से आपने उतार लेना है, इसका यहाँ से खोल लेना है और इसमें आपने जो है पानी भर लेना है बॉटल में और उसके बाद आपने इसको ये बंद कर देना है, ठीक है। पानी आपने जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं इनको देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी आपने इनको वो देना है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। आजकल तो वैसे गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो टूटियों से भी पानी आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है, तो अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, कोई आप या तो मिक्स कर लें उसमें थोड़ा पानी, उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए। यहाँ पे एडजस्टमेंट का है ऑप्शन, इसको एडजस्ट कर लें। तो ये बहुत खुश होते हैं इससे, ये अपने पर सारे, ये देखें आप किस तरह वो पर खोल के नहाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, ये देखें। तो ये इधर आ जाते हैं, अब इनको पता चल रहा है कि शावर का टाइम हो गया। अब ये देखें ये इधर आ रहे हैं और अपने पर खोल के तो पूरे परों को ये है नम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपने कोशिश करनी है कि इनकी मटकियों के अंदर पानी वगैरह ना जाए, क्योंकि अंडे वगैरह दिए होते हैं उससे अंडे भीग भी सकते हैं इनके। बस इस तरह से आपने इनको शावर दे देना है। यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, आपने ये शावर जो देना ना इनको, या तो आपने सुबह के टाइम शावर देना इनको, ठीक है, जिस वक़्त गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप इनको शदीद गर्मी में शावर देंगे ना तो फिर इनको गर्म सर्द होने का ख़तरा होता है, तो इससे ये बीमार भी हो सकते हैं, उनको और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सुबह के टाइम आप कोशिश करें शावर दें, नॉर्मल पानी से इनको शावर दें, ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, या आप शाम को दें लेकिन कम से कम सूरज ग़ुरूब होने से एक घंटा पहले, ठीक है, ताकि जब सूरज ग़ुरूब हो उस वक़्त तक इनके पर पूरी तरह से सूख चुके हों। इस तरह से आप इनको जो है शावर दे दें।
ये हफ्ते में आपने जो है ना एक दफ़ा तो ज़रूर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हफ्ते में दो तीन दफ़ा भी देंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर इनको जो है शावर दिया करें, हफ्ते में एक दो दफ़ा तीन दफ़ा लाजमी इनको शावर दिया करें। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मटकियों के अंदर ना जाए, क्योंकि कुछ मैंने मटकियों में देखा था इन्होंने अंडे दिए हुए थे, तो मैं उसे सेफ कर रहा हूँ इनको। तो ये देख रहे हैं किस तरह से ये अपने पर खोल रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। शुरू में हो सकता है आपके बर्ड्स पसंद ना करें, जब आप इनको शुरू में देंगे ना स्टार्ट करेंगे, अगर उनको आदत नहीं है इसकी तो फिर वो पसंद नहीं कर रहेंगे, लेकिन आप इनको जब तीन चार दफ़ा शावर दे देंगे तो ये फिर खुद ही आदी हो जाएंगे इस चीज़ के। लव बर्ड्स को भी मैं शावर दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बर्ड्स को शावर देने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके साथ आप हमारे विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।